हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में कि एसेट्स क्या होता है, और सेकंड हम लोग जानेंगे एक्सपेंस क्या होता है। तो ध्यान देना, मैंने दो वर्ड कल समझाया था वह, और जो दो आज पढ़ाऊंगा वह चार, और एक कल जो पढ़ाऊंगा पांच। और इस पांच वर्ड को अच्छे से जो समझ लिया, समझो आगे जब मैं अकाउंटिंग करना बताऊंगा उसको और उस पे हम लोग सवाल हल करेंगे, तो समझ जाओ मैक्सिमम लोग कर ले जाएंगे। लेकिन जब तक ये चार पांच वर्ड क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको ट्रांजेक्शन करने में बहुत दिक्कत होगी, उस ट्रांजेक्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और उसमें लगेगा कि आपको ये टैली बहुत कठिन है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अभी जो नोट्स में लिखा गया वो भी पढ़ेंगे हम लोग, जो हम समझा रहे हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। नोट्स क्यों दिए हो उसको भी पढ़ाइए आप, चलिए उससे भी हम लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे, आज का हमारा मेन टॉपिक है वह है एसेट्स। क्या होता है बाबू? आज हम लोग पढ़ने वाले एसेट्स, व्यापार में एसेट्स किसे कहेंगे? एसेट्स मतलब सीधा सा मतलब है संपत्ति, कि आपके व्यापार में कितने रुपए का संपत्ति है, ठीक है। अब एसेट्स को हम कैसे समझेंगे कि हमारे व्यापार में रियल में वो एसेट्स ही है, कि एसेट्स ना हो के वो लाइबिलिटी है, या लाइबिलिटी ना हो के वह कैपिटल है, कैपिटल ना हो के वह एक्सपेंस है, एक्सपेंस ना हो के वह इनकम है। बोले छांटना बहुत जरूरी है। अगर जो ये पांच वर्ड को छांट लिया, समझो अकाउंटिंग में आसानी तरीके से वो अकाउंटिंग कर ले जाएगा, उसको दिक्कत बहुत कम आएगा। लेकिन अगर इस पांच को डिसाइड नहीं कर पाया, आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए ध्यान से सुनना, समझना, कंसेप्ट को समझना, तब आपको क्लियर होगा। बताया जाता है कि एसेट्स के बारे में, बिजनेस में वह सभी वस्तुएं, ठीक है, बिजनेस में वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती है। क्या करती हैं? व्यापार को चलाने के लिए हेल्प करती है, मदद करती है। वह सभी वस्तुएं हमारा क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेट्स, या यूं कह लो वह सभी वस्तुएं, ठीक है, जिसके सहारे हम लोग क्या करें, व्यापार को चलाएं, ठीक है, और उसे फ्यूचर में पैसा कमाएं, वह हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। या एक लाइन में बताना है तो बता सकते हो, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है वह हमारे व्यापार के लिए एसेट्स कहलाता है। ध्यान से सुनना, मतलब अगर एसेट्स के बारे में बताना है तो बता सकते हो कि एसेट्स व्यापार को अस्थाई या अस्थाई रूप से चलाने में मदद, मतलब बिना एसेट्स का हम व्यापार को अस्थाई या अस्थाई रूप से नहीं चला पाए। सेकेंड, वो सभी वस्तुएं जिससे हम लोग फ्यूचर में पैसा कमा सके, कुछ अमाउंट जनरेट करके दे सके, उसको हम बोलते हैं एसेट्स कमाना। या एक लाइन में बताना है तो बता सकते हो कि जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, मतलब बिजनेस में जो भी कुछ दिख रहा है, अगर उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है तो हमारे व्यापार के लिए एसेट का, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा ना, तीनों का मतलब एक ही है। अब चलिए आप बताइए, एक व्यापार को चलाने के रियल में, व्यापार को अस्थाई अस्थाई रूप से चलाने के लिए क्या क्या ऐसा वस्तु, ठीक है, जो हमारे व्यापार को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। अगर वो व्यापार में ना हो तो व्यापार को बेटर तरीके से नहीं चला पाएगी। तो चलिए एक व्यापार के पर्पस से हम लोग समझते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आगे चल के दिक्कत ना हो। देखिए, सपोज एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस किसका है? सपोज मान लो हमें एक इंस्टीट्यूट ही खोलना है। क्या खोलना है? इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे ये व्यापार स्टार्ट करना है, तो जैसे मतलब तुमने पहले ही बता दिया कि बिना एसेट्स के व्यापार को चला ही नहीं सकते,
अस्थायी रूप से, ये अस्थायी रूप से चलाने के लिए एसेट्स की मदद करता है। तो चलो अब अगर इस संस्था की बात करूं तो मेरे व्यापार में एसेट्स क्या क्या होना चाहिए, तो मुझे कंप्यूटर सेंटर ही खोलना है, तो सबसे पहले जरूरी मेरे लिए होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्यूटर। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर। सेकेंड, थोड़ा सा हम बेटर तरीके से कई सारे लोगों को एक साथ बैठ के पढ़ा सके, ठीक है, उनको समझ में आए, तो होना चाहिए उसके साथ प्रोजेक्टर। बोलो, लड़की अच्छे से बैठ के पढ़ सके उसके लिए होना चाहिए फर्नीचर। बोलिए, ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बोला कंप्यूटर बहुत जरूरी है, प्रोजेक्टर बहुत जरूरी है, फर्नीचर बहुत जरूरी है। बोले ये तीन तो है ही है, ठीक है, उसके बाद से और भी है, ठीक है, मेन पावर हमारा होना चाहिए, ठीक है, बिना इसके भी नहीं हो पाएगा। मतलब मेन पावर हो रहा हो ना, मतलब हमारे पास इम्प्लाई होने चाहिए, तब बेटर से चला, बेटर तरीके से चला सकते हैं। मतलब इस कंप्यूटर संस्था को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? और बिल्डिंग होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ठीक है, यह जरूरी है, बिना इसके हम व्यापार को आसानी तरीके से नहीं चला पाएंगे। बोलिए और क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए? बैंक बैंक बैलेंस होना चाहिए, कैश होना ही चाहिए, बैंक बैलेंस कम हो चलेगा, कैश होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब यह हमारे व्यापार के लिए, जीने भी कहो ना, एक संस्था को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उनके पास कुछ कैश होने चाहिए। कंप्यूटर बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने लड़के आएंगे क्या करेंगे, इसी के सारे लैब करेंगे और इसी के लिए व्यापार किए हैं। अच्छे से पढ़ा सके प्रोजेक्टर चाहिए, बैठ के पढ़ सके इसके लिए चाहिए। हाँ, वहां पे दो चार ठो एलईडी लगा दे जिससे हम लोग लाइट जला सके, ठीक है, और भी सुविधा देना चाहते हैं तो एसी ला सकते हैं, ठीक है, गर्मी हो रहा तो फैन ला सकते हैं। बोले यही तो जरूरी है व्यापार को चलाने के लिए। मीन्स मतलब बताने की कोशिश मैं यह कर रहा हूँ कि वह सभी वस्तुएं जो व्यापार को चलाने में मदद करता है, आ उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में कुछ पैसा अर्न करते हैं, जनरेट करते हैं, उसी वस्तु को हम बोलते हैं व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है, मीन्स संपत्ति कहलाता है। क्लियर है सबको? चलिए नोट्स निकालिए सभी लोग, इसलिए नोट्स दिए हैं, एक नोट्स मुझे दीजिए। पेज नंबर 2 पे आइए। पेज नंबर 2 पे और 8वें नंबर पे आइए। 8वें नंबर उसी पेज पे, 8वें पे दिख रहा है, देखिए बताया जा रहा है, वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थाई रूप से व्यापार को चलाने में मदद करती है क्या कहलाता है? एसेट। एसेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक सोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया है, ठीक है ना। मतलब जो भी हमारे एसेट होते हैं, संपत्ति होते हैं, कोई ना कोई उसका वैल्यू होता है ना, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है, जैसे भवन, कंप्यूटर, कैश आदि। और एसेट को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित, पहला फिक्स एसेट, दूसरा करेंट एसेट। फिक्स एसेट को नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं, फिक्स एसेट को नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम कल ही पढ़ाए थे आपको कि नॉन करेंट क्या होता है और करेंट एसेट क्या होता है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग और समझते हैं इसको डिटेल में, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लें। तो देखो जो मैं पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, वो मिलेगा आप, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ पढ़ के इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपके घर के लिए है, घर पे जाइएगा, पढ़िएगा, इस्तेमाल करिएगा, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल यह सर, अगर फिक्स्ड एसेट्स अगर कोई पूछ दे तो हम कैसे बताएंगे, और करंट एसेट्स पूछ दे तो कैसे बताएंगे? तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में समझते हैं। देखो फिक्स एसेट्स का मतलब वही है कि फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं। कितने? लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं, और इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता नहीं है। जिसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता
नहीं है, साल में एक बार, साल में एक बार, ये नहीं कि सेशंस का वैल्यू है 10 रुपया, कल हो जाएगा 5 रुपया, फिर से परसों हो जाएगा 15 रुपया, नहीं, मतलब फिक्स एसेट्स मतलब ने बताया है वह सभी वस्तुएं जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो, मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग साल भर या साल भर से ज्यादा, या अब साल भर से ज्यादा मतलब क्या है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, कई बार हम लोग फुटक जाएंगे, चले जाएंगे तो भी वो रहेगा, बोलिए, ठीक है, रहेगा ना। जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो बस इसके मेंटेनेंस के अगर खर्चे हम अच्छे से दे दे तो हम रहे या ना रहे कंप्यूटर चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। बोलिए, कोई बिल्डिंग बनवा दे तो हम रहे या ना रहे लंबे समय तक चलेगा, कई लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इस बिल्डिंग का। मतलब बताने का मतलब यह है वो सभी वस्तुएं जिसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता नहीं है, साल में एक बार घटता बढ़ता है और उसका इस्तेमाल हम लोग लंबे समय तक कर सके, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जैसे आप लोग जानते हो क्या, कंप्यूटर, और क्या आ सकता है, फर्नीचर। आप बताओ, पता नहीं कितने साल से फर्नीचर पे और कितने बैचे चले गए और कितने लड़के पढ़ चुके, एक फर्नीचर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। हाँ, दिक्कत होती है कई बार तो कारपेंटर को बुलवाते हैं, एक दिन लगता है, जहां जहां कील निकला होता है, ठीक है, टूटा फूटा रहता है, उसको जोड़ जाड़ के चला जाता है, और उसका मजदूरी दे देते हैं, मतलब मेंटेनेंस के खर्च लगते हैं। जैसे प्रोजेक्टर है, ये भी खराब हो जाता है तो उसको बनवा देते हैं, फैन है, पंखा है, तो इसको भी ऐसा नहीं हमेशा चलता है, हमेशा आते हैं मिस्त्री साहब बना के चले जाते हैं, ऐसा नहीं पंखे को बदल देते हैं, मतलब मेंटेनेंस के खर्च लगते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग लंबे समय तक, और इसका बताओ, इसका वैल्यू, इसका बेनिफिट हम लोग फ्यूचर में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप बताओ, ने क्या बोला है, एसेट हम उसे कहेंगे जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना। आप बताओ, आज कंप्यूटर से आज भी पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा, 2 दिन के बाद भी पढ़ाऊंगा, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, ये बैच चला जाएगा, फिर से दूसरा बैच आएगा, फिर से तीसरा बैच आएगा, कई सालों तक चलेगा, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के खर्च लगेंगे। ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, ये भी एक फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत कम लगे, एक बार बनवा दिए अच्छे से, कभी कभी लगेगा, दिक्कत होगी तो उसको हम सही करवाएंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के आधार पे। प्रोजेक्टर हमारा फिक्स एसेट है, एसी हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है, हमने ये बल्ब लगाया है, वही प्रकार के एसेट है, ठीक है, हमें ब्रांडेड लगाएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा नेचर क्या है। आप लोग पहले से जानते हो कि जो छोटा सा 100 रुपए का बल्ब खरीद रहे हैं तो एक साल का वारंटी, बीच में खराब हुआ ब्लैक वापस कर देंगे, एक दिन अभी कम है तो भी वापस कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो यह जो हमने लगवाया है ये सब हमारे क्या है, एसेट्स है। कौन से एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है। क्यों फिक्स एसेट मान रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करेंगे, ठीक है, और लंबे समय तक इसे पैसा कमाएंगे, ठीक है, वैल्यू जनरेट होगा, अर्न होगा, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्लियर है सबको, ठीक है, यही पढ़ना बुक में, नोट्स में यही लिखा गया होगा, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अगर कोई कहता सर अगर करेंट एसेट्स की बात करें तो क्या आ सकता है, तो मैंने फिर से बताया है, वह सभी एसेट्स जिसका बैलेंस उस फाइनेंशियल ईयर में लगातार घटता बढ़ता हो, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं करेंट एसेट्स। अब ऐसा नहीं है कि वो एक साल चलेगा और अगले साल नहीं चलेगा, ठीक है, उसके अगले साल चलेगा, उसके अगले साल नहीं चलेगा, ना, ऐसी बात नहीं है। इसमें मतलब यह है कि जिसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता हो, वैल्यू हमेशा कम ज्यादा होता रहे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया कैश, आप बताइए क्या कैश का बैलेंस फिक्स हो जाएगा, क्या नहीं, आज मेरे पास 500 रुपया है, कल 0 भी हो सकता है, अगले दिन 5,000 भी हो सकता है, उसके अगले दिन 5 लाख भी हो सकता है, मतलब जैसा जैसा बिक्री घटेगा बढ़ेगा इसका बैलेंस कम ज्यादा होगा, इसीलिए से बोलते हैं करेंट एसेट्स। चलो, और क्या है, बैंक बैलेंस, क्या है जी, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा 1 रुपया है, कल 1 लाख रुपया हो सकता है, अगले दिन 10,000 हो सकता है, उसके अगले दिन 5,000 हो सकता है, मतलब जैसे जैसे सौदा करते जाएंगे ऐसे ऐसे बैलेंस क्या होंगे, घटते बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए इसको भी करेंट एसेट्स के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद क्या है, स्टॉक। क्या है, स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता पढ़ाऊंगा, वो इतना समझना जितना हमारे पास माल पड़ा हुआ है सामान। तो आज है 100 पीस, कल हो जाएगा 10 पीस, उसके अगले दिन हो जाएगा 500 पीस। मतलब इसका भी वैल्यू हमेशा घटेगा बढ़ेगा, और इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, करेंट। और क्या हो सकता है जी, बोलिए और क्या आ सकता है इसमें, डेबिटर्स का अमाउंट। इसका डेबिटर्स का अमाउंट। अब सवाल ये सर, ये डेबिटर्स क्या होता है, ध्यान देना। जब हमारा बिजनेस किसी को सेल करता है कोई सामान, सेल्स बेचता है, सोल्ड करता है, तो जिससे बेचता है, जैसे पीक्यू को बेच रहा है, जो पीके है ना, इनके क्या है, कस्टमर। क्या है, कस्टमर। और इसी कस्टमर को बोलते हैं अकाउंटिंग के भाषा में डेबिटर्स। क्या बोलते हैं, डेबिटर्स। और इसको लिखते हैं सन्ड्री डेबिटर। और डेबिटर्स के अमाउंट क्या है, एसेट्स है। इन कौन से एसेट्स है, ये करेंट एसेट्स है। क्योंकि आज डेबिटर्स का पैसा 10 रुपया है, कल वही 100 रुपया हो सकता है, कल वही 0 रुपया हो सकता है, और कल वही 1 लाख रुपया भी हो सकता है। मतलब हमेशा लेन देन होती रहती है, और इसीलिए डेबिटर्स अमाउंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये करेंट एसेट्स है। क्लियर है, चलो। और क्या आ सकता है, बोलिए, और एसेट्स में क्या आ सकता है, एडवांस पैसा। एडवांस हमने किसी को पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया जी, एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट मतलब क्या, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम, अपने सप्लायर को भी कर सकते हैं, हम अपने इम्प्लाई को भी कर सकते हैं, हम अपने रूम मालिक को भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एडवांस जहां जहां पैसा दिए हैं, वो भी पैसा हमारा क्या होगा, एक एसेट सी होगा, ठीक है। अब देख लेना वो एडवांस कितने टाइम के लिए हमने दिया है, क्या है, बैलेंस घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब एडवांस पैसा भी जो हम दिए हैं, वो लिए नहीं, जो दिए हैं, वो भी व्यापार के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, सपोज मान लो जो मिस्टर एसके है, और इनके घर कोई काम पड़ गया, उन्होंने अक्टूबर का भी और नवंबर का भी दोनों मंथ का क्या किया, सैलरी सर से एडवांस ले लिया। तो आप बताओ, जो जीआईटी का ओनर है, ये क्या कहेंगे, हमारा कर्ज हो गया, नहीं, ये बोलेंगे हमारा संपत्ति है, 2 महीने का पैसा पहले ही एडवांस दे दिए है, अब क्या करेंगे, या अक्टूबर में भी हमारा यूज करेंगे, नवंबर में भी यूज करेंगे, एक भी रुपया देंगे नहीं आपको, ही कैसे। मतलब हम अक्टूबर भर पूरा पढ़ाएंगे, मतलब अक्टूबर भर पूरा पढ़ाएंगे, मतलब क्या, वो पूरा अक्टूबर भर मेरा बेनिफिट लेंगे, फिर से नवंबर पढ़ाएंगे, नवंबर भर पूरा बेनिफिट लेंगे, और इसी पैसे को बोलते हैं एसेट्स। पैसा दे दिए, अब हमसे काम करवाए, हमने पैसा लगा दिया, अब इससे पैसा कमाएंगे। मतलब उनको फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। एडवांस पैसा दिया, ठीक है, किस कंडीशन में दिया वो माने रखता है, लेकिन उसका लाभ एक उद्देश्य है कि फ्यूचर में उससे हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। अब उसी उद्देश्य यह है कि अगर पढ़ाना छोड़ देंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे, और दूसरा टीचर खोजना पड़ेगा, पता नहीं कैसे पढ़ाएगा, ठीक है, सही से पैसा वसूल पाएगा कि नहीं आएगा, पर बहुत सारे रीजन है, एडवांस दे देंगे, ठीक है। बताओ हमेशा हर किस क्लास में हर महीने 2 टीचर चेंज हो, 2 दिन को कितना बच्चा पढ़ा, नहीं पढ़ोगे कि लैंग्वेज पकड़ते रह जाओगे, कुर्सू खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो मैक्सिमम जगह एम्प्लाई क्या करते हैं, जहाँ काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं उससे एडवांस लेते हैं, वो मालिक का ये नहीं एडवांस देंगे, नहीं काम करेगा वो, ठीक है, बहुत होगा अगर, हाँ, पहले ही एग्रीमेंट हो गया है कि जितना दिन काम करोगे उतना ही दिन का पैसा दूंगा, हमारे एडवांस नहीं करता, तो आपके ऊपर, आप फील करके वो अलग बात है। मुझे लगता है मैक्सिमम कंपनियों में, नॉर्मल संस्था ऑफिस में ऐसा रूल है कि जहाँ काम करते हो वहां एडवांस मिलता है। हाँ, कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो कहते हैं एडवांस ले लेंगे, पता नहीं कब तुम हमको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है सबको। वो क्या करते हैं, 10 दिन तक पैसे रोके रहते हैं, कहते हैं 1 तारीख को सैलरी नहीं देंगे, 10 तारीख भगोगे तो 10 तारीख को पैसा दे देंगे, 10 दिन तक हमारा बिल जाएगा, पैसा नहीं देंगे, ठीक है, मैक्सिमम नहीं देखना 10 तारीख को, मतलब 10 दिन का पैसा, इन्हें 10 को देगा तो भी छोड़ के देगा, फिर अगले 10 को देगा,
एक महीने का दिया था ग्यारह कर लिए, उसको लगे चलो महीना पूरा हो जाए, इतना देर महीना पूरा होता है नहीं छोड़ते हैं, अरे कोई कितना हमें नहीं करेगा, 10 दिन का अमाउंट छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो ये अपने बुक ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करे, हाँ कर सकते हैं कि इतना पैसा देना है लेकिन दे दिया नहीं, हमने मान लिया, फिर बता है कि नौकरी बहुत मिलेगा आगे चल के हो जाएगा, बोलो ऐसा तो मैं आ रहा आपको कि नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो इससे लेकर जल्दी, कुछ भी पूछिए।